किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उनके स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बालासोर रेल हादसे पर आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। लालू यादव ने बालासोर रेल हादसे के लिए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। लालू यादव ने कहा कि कोरमंडल ट्रेन चेन्नई जाती है, मैंने भी इसमें यात्रा किया है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। इस पूरी घटना की वजह लापरवाही है, सावधानी नहीं बरती गई, जिसके कारण इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लालू यादव ने आगे कहा कि इस घटना में 800 लोगों की मौत की जानकारी मेरे पास आई है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। लालू यादव ने कहा कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर रेलवे को चौपट करने का आरोप लगाया है। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही, काफी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया। नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही विपक्षी एकजुटता पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार को काफी सफलता मिलने वाली है, ये सभी लोगों की मुहिम है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल है। पटना से शशिभूषण की रिपोर्ट, बिहार तक।